मुरादाबाद गंगा दशहरे के पर्व पर भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भगवा रक्षा वाहिनी की पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लाल बाग स्थित काली के मंदिर में भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भगवा रक्षा वाहिनी की प्रदीप कुमार महानगर वरिष्ठ उपाध्याय के नेतृत्व में महाआरती की गई। प्रदीप कुमार ने बताया कि गंगा हमारी माँ है। जिस तरह से गंगा अपने अंदर सारी बुराइयों को लेकर इंसान को शुद्ध कर देती है, उसी तरह हमें भी सारी बुराइयों को भूलकर शहर में अमन और शांति कायम करनी चाहिए। जी भैया, आज भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से क्या कार्यक्रम करा गया है? मैं प्रदीप कुमार छत्री महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष। भगवा रक्षा वाहिनी की तरफ से हमने एक महाआरती का प्रोग्राम किया था, जिसमें सभी हिंदू भाई हमारे सम्मिलित हुए, हमारे सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। अच्छा, सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? गंगा स्नान का पर्व है आज, और जैसे कि आपने महाआरती करी है, क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से? देखिए, ये गंगा जो हमारी माँ है, मैं गंगा माता की आरती के विशेष रूप से यही चीज़ कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा अपने भगवा रक्षा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों से या नगरवासियों से, कि ये हमारा जो हमारा त्यौहार है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, माँ गंगा की आरती करें और उसके शुद्ध विचारों पर, जैसे माँ गंगा अपने जिस भी चीज़ को गलत हो सही हो, कोई भी व्यक्ति उससे स्नान करता है उस चीज़ को शुद्ध कर देती है, तो उसी अपने मन को गंगा में, माँ गंगा में निष्ठान करें और उसी हिसाब से अपने माँ अपने अंदर भी शुद्धिकरण लाएं, जिससे आगे विकास की भावना उत्पन्न हो, व्यक्ति के अंदर करुणामयी भावना उत्पन्न हो,